पैडमैन बीते एक साल से हाथ में सैनिटरी पैड लिए दुनिया भर के आसमान में घूम रहा है, पर पीरियड्स को लेकर जो भ्रम धरती पर बना हुआ है वो जाने का नाम नहीं ले रहा है। स्वच्छता का संदेश देकर कुछ महिलाओं को पैड तो बांट दिए गए, पर जिन मान्यताओं का हवाला देकर उनके साथ एक सप्ताह तक भयानक हरकतें की जाती है उसका क्या। बेशक जीवन में पहली बार आने वाले पीरियड अपने साथ उत्सव के रंग लेकर आते हैं, पर यह उत्सव केवल एक दिन का होता है। इसके बाद बिटिया अछूत हो जाती है और जब तक उसमें माँ बनने की क्षमता है तब तक वह हर माँ अछूत होती रहती है। जो रक्त उन्हें माँ होने का गौरव दिलाता है वही शर्म की वजह भी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत में या हिंदू धर्म में महिलाएं पीरियड्स की मान्यताओं को झेलती है, बल्कि विदेशों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। चलिए आज हम एक नज़र डालते हैं भारत की उस मान्यता पर जिसमें बताया गया है कि औरतें क्यों पीरियड्स का पाप भोग रही है। कहते हैं इंद्र के पाप को भोग रही है स्त्रियां। जी हाँ, एक लाइन में कहें तो यही सच है। इस सच को हमारी पौराणिक कहानी ही मान्यता देती है। भागवत पुराण के अनुसार जब असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण किया तो इंद्र समेत सभी देवताओं को ब्रह्मा जी की शरण में जाना पड़ा था। ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मण देव की सेवा करने का आदेश दिया। इंद्र बिना देर किए एक ब्राह्मण की सेवा में जुट गए। वे इस बात से अनजान थे कि उक्त ब्राह्मण की माँ राक्षस कुल की थी, इसलिए ब्राह्मण राक्षसों के प्रति विशेष लगाव भी रखता था। देवताओं जो भी सेवा ब्राह्मण की कर रहे थे, ब्राह्मण उसकी अंतिम आहुति राक्षसों के नाम से अर्पित करता रहा। नतीजा यह हुआ कि देवताओं के हालातों में परिवर्तन नहीं आया। जब इंद्र को ब्राह्मण के इस काम का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर उसका वध कर दिया। इस तरह इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। इस पाप से छुटकारा पाने के लिए इंद्र ने भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने इंद्र को अपने पाप को तीन लोगों को दान में देने की बात कही। साथ ही कहा पाप बांटने के साथ उन्हें एक वरदान भी देना होगा। इस तरह इंद्र ने पाप का पहला हिस्सा जल, दूसरा भूमि और तीसरा स्त्रियों को दे दिया। इंद्र ने स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप उन्हें हर महीने मासिक धर्म दे दिया। बदले में उन्हें संतान उत्पत्ति का आशीर्वाद भी दिया। यानी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां जीवन पर्यंत इंद्र के पाप को सहन करती रही है। यही कारण है कि हिंदुओं में इस दौरान उन्हें अपवित्र माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और कुछ सीखने को मिला होगा या कोई नई चीज़ आपको पता लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई और इसी तरह की और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।